दगड़ियों, तो आज जो हम जगह जा रहे हैं ना, वो सनसेट के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। फील है, बहुत फील है भाई, क्या सेट नजारा है भाई, क्या सेट नजारा है। मतलब देहरादून का एकदम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट व्यू है यहाँ से, यहाँ बैठ के और यहाँ से सनसेट एंजॉय करने हैं भाई, तब तक बहुत मजा आने वाला है। दगड़ियों, स्वागत है आप सभी को मैं YouTube चैनल ट्रैवल बग में, और आज की स्टार्टिंग बड़ी अनयूजुअल है क्योंकि जहां से मैंने पिछली वीडियो अपनी खत्म करी थी आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं अभी कहां हूं, और जिन्होंने नहीं देखी है कोई नहीं, बाद में देख लेना। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि अभी अपन लोग हैं मालदेवता में, और अभी जस्ट नदी के किनारे करके आ रहे हैं अपनी डे कैंपिंग। बाप रे भैया, ऑफ रोडिंग से तो मेरी एक्टिवा के अंजर पंजर पूरे के पूरे हिल गए। तो फिलहाल चलो, अच्छी बात है अभी हम मेन रोड में आ गए हैं। और भैया मालदेवता क्या जगह है यार, इट इज ब्यूटीफुल इन एवरी सीजन, और अभी भी इतना ज्यादा प्यारा है यहाँ पे आना। बड़ा ही अच्छा टाइम हमारा बीता पिछली वाली वीडियो में, अगर देखी होगी आप लोगों ने। तो अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 और बहुत ही जल्दी ना सनसेट होने वाला है। तो आज जो हम जगह जो जा रहे हैं ना, वो सनसेट के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो अभी हम मालदेवता में हैं और अभी का प्लान ये है कि आज इसी जगह जाके ना आज हम सनसेट जो है वो एंजॉय करेंगे। बाकी फिलहाल देखो, बिल्ली जो है हमारा रास्ता काट गई है, लेकिन हम ऐसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि हम भरोसा करते हैं अपनी मेहनत पे कुछ भी। तो मैं आज से पहले उस जगह में कभी नहीं गया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है उस जगह को लेके। बाकी देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है। अभी यहाँ से राइट लेके ना हम जाएंगे सहस्त्रधारा की तरफ, क्योंकि वो जगह है सहस्त्रधारा के साइड ही। जिस सड़क पे अभी हम हैं, ये सड़क मालदेवता और सहस्त्रधारा को जो है वो कनेक्ट करती है। और भाई सामने का व्यू देखो यार, कितना औसम है। और सच्ची बताऊंगा, अगर यहाँ पे मानसून में आओगे ना भाई, भाई क्या नज़ारा होता है। खैर नज़ारा तो अभी भी सुंदर है, लेकिन देखो अभी यहाँ पे झुकी झोपड़ियाँ बन गई है। आई डोंट नो वैसे ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, ये बन जा रहे हैं या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, देखो नज़ारे देखो यार, कितने प्यारे प्यारे हैं। भाई पर्सनली बताओ ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है ऐसी सड़क जिसके अगल बगल पेड़ हो ना, और ये तो मतलब क्या नज़ारा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई क्या सेट नज़ारा है, भाई क्या सेट नज़ारा है। थोड़ा टाइम पहले ना मैं यहाँ पे आया था भाई, ये सड़क ना पूरी टूटी हुई थी। वो वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा अभी आपकी स्क्रीन पे। तो उस टाइम मानसून चल रहा था और इस नदी में इतना ज़्यादा पानी आ रखा था ना कि भाई ये पूरी सड़क जो है वो बह गई थी नदी में। और सिर्फ यहीं पे नहीं, इस सड़क पे 3 जगह पे हो रखा था ऐसा, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। देखो 3 जगह सड़क ना पूरी टूट रखी थी, और अभी देखो इस नदी में बिल्कुल ही पानी नहीं है। तो सब टाइम टाइम की बात है मेरे दोस्त। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ऑल राइट, ऐसी बाइक्स देखे ना जोश आ जाता है भाई। मतलब देखो यार, हम भी कभी सोचते हैं, मतलब कभी हर लड़के का ना एक ड्रीम होता है देखो सुपर बाइक लेने का। मेरा भी है, बहुत बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा सुपर बाइक लेने का। तो कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा सुपर बाइक लेने का। और भाई ये देखो भाई, यहाँ पे फ्लैग्स देखो ज़रा एक बार, मतलब कितना कितना कलरफुल लग रहा है, हरे हरे पहाड़ और ये कलरफुल फ्लैग्स, मतलब अल्टीमेट फील है बॉस, फील है। एक बार देखो, मतलब कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो जी अपन लोग पहुंच चुके हैं सहस्त्रधारा, और अगर यहाँ से लाइट ले लेंगे ना तो हम सहस्त्रधारा मेन सहस्त्रधारा में पहुंच जाएंगे। तो हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें लेफ्ट लेना है यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है भैया, पल्लव साफ बना दे, साफ बना दे, साफ बना दे गाड़ी को। तो गाइस देखो, अपन लोग पहुंच चुके हैं जहां से हमें टर्न लेना है। तो यहां पर रुक के मैं आप लोग को बताऊंगा देखो कि टर्न कहां से लेना है। वैसे मुझे भी नहीं पता है कहां से लेना है, कहां गया टर्न, क्या तुम्हें टर्न ही नहीं है।
ओके, देखो मिल गया गाइस, मिल गया हमें टर्न मिल गया है। तो देखो अगर आप लोग राजपुर रोड से सहजदारा की तरफ आओगे, वो रहा सामने पैसिफिक हिल स्टेट, और इसी के ना यहाँ पे देखो एक सड़क है चालंग मार्ग, तो अपन लोग को यहीं पे जाना है अभी शायद, आई एम नॉट श्योर वैसे। हाँ जी, यही वो जगह है, वही जगह है जो मेरे ऑफिस से दिखी थी फोटो में, ये वही जगह है। A few inches later. Oh no, यहाँ से तो दो रास्ते आ गए, अब क्या करें? मेरी ऐसी गट फीलिंग कह रही है कि ये वाला होगा। राइट ना जाके एक बार स्ट्रेट जाके देखते हैं। अबे यहाँ पे तो एक और मोड़ आ गए दो। Oh no, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग गलत आ गए और आगे जाके रास्ता एकदम बंद होने वाला है। गलत आ गए हम लोग। यू टर्न गाइज। कोई नहीं, पहली बार में होता है ऐसा, कभी कभी गलत हो जाता है। सॉरी, मुझे लगता है ये होगा यार। आ जाओ गाइज, कम ऑन, लेट्स फॉलो आवर बटरफ्लाइज। मुझे लगता है यही होगा। ओ माई गॉड, ये कैसी चलाई है, इतनी खतरनाक। इन लोग की गाड़ी चढ़ेगी। चढ़ गई अपनी गाड़ी तो चढ़ गई बस। अरे भाई साहब नीचे क्या है वो? एक चीज मुझे दिखी है जो दिखाने लायक बनती है। तुम चलो भाई साहब, वो देखो, वो तो देखो कितने प्यारे फूल हो गए, एकदम येलो, इतना सुंदर लग रहा है ना ये। आई डोंट नो कैमरे में कैसा लग रहा है, लेकिन सामने से बड़ा सुंदर लग रहा है। बहुत सारे फूल उगा रखे हैं या उगे हुए, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी ये चढ़ाई बड़ी खड़ी है यार। भैया ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, सच्ची बता रहा हूँ। मुझे आगे ना बड़ी सुंदर सी जगह दिखाई दे रही है। नाइस, नाइस यार, कितना अच्छा लग रहा है यार ये फ्लैग्स में। मतलब ये फ्लैग्स तो मतलब जहाँ भी होते हैं यार, ये ना उस जगह की ना ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। अभी तो बड़ी सेट जगह लग रही है, बाकी ये देखा पाए, एकदम मस्त सीन है भाई, मस्त सीन है। तो देखो अभी फिलहाल तो पहुँच गए हैं, देखो यहाँ से तो सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल यहाँ कैमरा निकालते हैं और फिर करते हैं आप लोगों से बात। तो देखो यहाँ पे ना एक मैगी पॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल, और बाकी यहाँ देखो यार ये फ्लैग से तो इतना सुंदर लग रहा है ना। ये क्या कितना सेट लग रहा है अंकल? इट इज एक्चुअली सरप्राइजिंग, मतलब यहाँ आके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही डिफरेंट है। मतलब देहरादून का एकदम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट व्यू है यहाँ से। ये फ्लैग्स वगैरह ये सब जो है ना, और यहाँ बैठने का है, मतलब बहुत ही प्यारा है। अभी ना यहाँ पे आके बैठे हैं, और सच्ची बताऊँ ना, अभी मैं ऑस्ट्रक हो रखा हूँ। मुझे ये जगह इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना, और सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं लग रही है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। यहाँ बैठ के और यहाँ से सनसेट इन्जॉय करने हैं भाई, कतई बहुत मजा आने वाला है। तो जब तक यहाँ बैठ के अपन लोग अपने खाने का वेट करते हैं, तब तक आप लोग इन्जॉय करो सिनेमैटिक शॉट्स। देखो इतनी देर से हम यहाँ बैठे थे ना, वेट कर रहे थे कि सनसेट होगा, लेकिन अभी देखो सन जो है ना कहीं ऊपर ही छुप गया, शायद मेरे ख्याल से बादल है या फॉग है या फिर क्या है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है देखो सन जो है वो छुप गया है। तो सनसेट तो अभी दिखेगा नहीं, लेकिन ये जगह ना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से है जहाँ से सनसेट जो है वो एंजॉय कर सकते हो नीचे बैठ के, प्रॉपर एकदम फील लेके, सच बता रहा हूँ। तो अभी सोच रहे हैं कि वापस से जाते हैं गाड़ियों के पास, निकलते हैं यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो जी वापस से आ गए हम लोग अपनी गाड़ियों के पास, और सच्ची बताओ ना ये जगह भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये फ्लैग से लेके व्यू से लेके पूरा एनवायरनमेंट से लेके बहुत ज़्यादा प्यारा था। सब लोग नीचे बैठे हुए थे, किसी ने मैट बिछा रखी थी, किसी ने कुछ कर रखा था, तो बहुत ज़्यादा ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं। बाकी आप लोग को इस जगह के बारे में मालूम था या नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ हम में से किसी भी को ये नहीं पता था, और मेरे दोस्त में से भी किसी लोग, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा, क्योंकि अगर पता होता तो मैं शायद हो चुका होता यहाँ पे, आया हुआ पहले, लेकिन नहीं आया था। एंड सच्ची बताओ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार आके,
क्योंकि देखो मैगी पॉइंट हम लोग जाते रहते हैं, मैं पता नहीं कितनी बार गया हूँ, लिमिट नहीं है मैगी पॉइंट जाने की, यहाँ आज तक नहीं आया था। ये भी मैगी पॉइंट जैसा ही था, यहाँ से भी व्यू दिखाई दे रहा था, लेकिन एक लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, वो डिफरेंट ना मुझे काफी अच्छा लगा। कार वाले ने धूल उड़ा दी है, लेकिन सामने का व्यू देखो। हम सनसेट के लिए वेट कर रहे थे काफी देर तक, लेकिन सनसेट जो हमें वो दिखाई नहीं है, क्योंकि आज नीचे थोड़े बादल बादल से हो रहे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, सनसेट के लिए फिर कभी दोबारा आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से ना ये देहरादून का सबसे प्यारा सनसेट पॉइंट होने वाला है। बाकी आप लोगों को ना एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले कभी नहीं आया था और मैं कंफ्यूज हो गया था कि जाना कहाँ पर है। तो एक बार यहाँ पे मेन जगह पे जहाँ से तीन सड़कें कट रही हैं, वहाँ जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि जाना किधर है। ओके, तो देखो यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे तीन जगह कट रही हैं, एक राइट जा रहा है हमें वहाँ नहीं जाना है, और एक स्ट्रेट जा रही है, और स्ट्रेट जाने के बाद भी दो रास्ते कट रहे हैं, एक लेफ्ट और राइट, हमें जाना है राइट वाले पे, हम लोग लेफ्ट चले गए थे, लेकिन जाना है राइट की तरफ भाई। पर जगह तो बहुत ही प्यारी है। वैसे मैं इसका ना पिन लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और ना इतनी प्यारी प्यारी रील्स और फोटोज यहाँ पे खींची है ना हम लोगों ने, अगर आप लोगों को वो देखनी है तो यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी, जाके चेक कर लेना। और अगर मेरी आईडी अच्छी लगेगी तो फॉलो भी कर लेना। वैसे कैसी लगी आप लोग को वीडियो और जगह? क्या आपने पहले ये जगह कभी देखी है, या गए हो, या फिर जाने का मन है? जो भी है लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अभी अपन लोग भी यहाँ से घर की तरफ निकल रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, और चैनल अगर पहली बार है ना तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। इन प्यारे से पहाड़ों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।